कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद घिरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व प्रचार संदीप घोष और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और उप प्रचार संजय वशिष्ठ से जुड़े परिसर सहित 15 परिसरों पर मारी रेड। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में इन जगहों पर मारे छापा। इस दौरान सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक यूनिट ने मरीजों के प्रबंधन और देखभाल के लिए सामग्री की आपूर्ति करने में लगे लोगों के घरों और ऑफिसों की भी ली तलाशी। जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात के नवसारी में मटकी फोड़ने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, जहां लड़के लड़कियां साथ मिलकर फोड़ रहे थे मटका, तभी अचानक गिर गई दीवार की एक हिस्सा। दीवार की चपेट में आने से 7 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस दौरान पूर्व सांसद प्रिंस राज भी थे मौजूद। इस मुलाकात को खास तौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में चिराग पासवान की पार्टी RLGP ने वक्त वोट बिल क्रीमिलेयर के लिए आरक्षण और UPSC लेटरल एंट्री समेत कई मुद्दों पर सरकार से अलग रुख रखा था अपना। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर, सड़कों पर सैलाब, कई जिलों में जबरदस्त बारिश ने मचा दी है तबाही। मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया है रेड अलर्ट। इतना ही नहीं, मछुआरों को भी समुद्र तट के नजदीक न जाने का किया गया है ऐलान। अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणियों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दी प्रतिक्रिया। कंगना के बयान को बताया अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत। किसान संयुक्त मोर्चा ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद है कि आदतन किसानों का अपमान करने वाली इस सांसद ने अब भारतीय किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, साजिशकर्ता और राष्ट्र विरोधी कहकर सारी हदें कर दी है पार।